ओम शांति। आज बाबा के 19 मई के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 1999। मुरली का हेडिंग है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो, देख रहे हो। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो, रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो, याद है अपना दैवी स्वरूप। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नामो निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में, तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसी विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है। हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो, तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में, तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है, स्वयं बाप दादा परमात्म आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो, तो अनादि काल, आदि काल, मध्यम काल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है, बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है, तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया, माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं, झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है, क्या नशा रहता है, हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसीलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना ऐसे नहीं
अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए, सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं सदा का नशा, सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कौन निमित्त है, माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं, माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं हैं, किटकिट नहीं करती हैं, लेकिन उनको क्या पता कि साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं, परमात्म वरदान इनको चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या, आपका भी गायन है, पांच पांडव गाए हुए हैं, शक्तियों के साथ साथ शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं, और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते, दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसीलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं, खुश है ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता, माताएं ढाल है क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है, पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं, दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं, समय तो सबको याद है, याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना, क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना, दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो, मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना, जो बाप दादा ने पहले ही इशारा दिया है। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को
जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है। मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गवाने वाले कहां न कहां धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा। जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार तो खत्म होने ही है। ये सब साधन किस आधार पर हैं? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर हैं, तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसीलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है तब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो
आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये बट्टियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए, यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प का खजाना है, सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबर वार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबर वार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपकी संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ इस संकल्प शक्ति को, बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है? अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हरेक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो, चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसीलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है, तो बाबा ने ड्रिल कराई, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं, संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह निहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस की बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार,
जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है तन से वहां है, तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दादियों से, तो सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना, नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है, दुनिया वाले सोचते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, आज का वरदान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो। पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें, हर एक आत्मा को अपने सन्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपने पन की अनुभूति कराएं। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा है, सदा सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता, दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया, स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। सदा खुशी में नाचते रहो, खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी, कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। अच्छा, ओम शांति।